उसमें क्या होता है ना कि भाई देखिए रेड्डी जो की थी वो अनिल भाई की ऑलरेडी फिल्म थी जो वो डायरेक्ट कर रहे थे। आज किसी भी बड़े एक्टर के पास अगर मैं जाता हूँ, सभी अच्छे दोस्त हैं, सभी के साथ काम किया हुआ है, लेकिन अभी आज का वो बैठे तो नहीं है अपने घर वालों के लिए, उनके पास दो दो साल डेट नहीं है। उससे बेटर ये था कि मुझे लगा कि एक न्यू कमर के साथ मैंने एक अच्छी फिल्म पहले बनाई हुई और उसके अंदर मैं एज अ राइटर के साथ साथ मैंने सब कुछ उसके अंदर किया था, तो मुझे लगा कि एक न्यू कमर के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि न्यू कमर के साथ फिल्म चलेगी तो लोग बोलेंगे कि डायरेक्टर ने अच्छी फिल्म बनाई, एक्टर के साथ चलेगी तो लोग बोलेंगे कि तो सलमान खान थे या शाहरुख खान थे, इस वजह से फिल्म चल गई। तो सर आप जाते थे क्या बोलेंगे अपने ऑडियंस से कि क्यों जाके ये फिल्म इसलिए देखें क्योंकि एक फैमिली इंटरटेनर है, अपनी माँ बहनों के साथ देखेंगे और लाइफ को इन्जॉय करेंगे, इस फिल्म को इन्जॉय करेंगे, इट्स अ फैमिली इंटरटेनर। थैंक यू। राइटर डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस यही उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो हुनर बताऊँ कि मुझे मौका देने वालों का भी इनाम हो जाए इंशाल्लाह ताला और आगे बढ़ता रहूँ। एक्चुअली आई टेल यू कि अभी जो ये मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ इसके पीछे एक बहुत छोटा सा रीज़न है, मेरा साला है अफलाक, तो इससे मेरा वादा था कि तुमको हीरो बनाना है, एक तो ये रीज़न था, लेकिन जब इसमें इन्वॉल्व हो गया तो मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई, इकराम भाई के ज़रिए भी बात हुई, संजय दत्त जी वगैरह से, इकराम भाई के पास और अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं और इन्होंने बैक टू बैक कई हिट्स मूवियाँ दी हैं, तो काफ़ी सीनियर हैं, अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात ईमानदार है मैं लखनऊ में रह के बेफिक्र रह सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो सबसे बड़ी बात भरोसे के हैं, तो इनके साथ काम कर रहा हूँ, आगे जिस हिसाब से ये बताते रहेंगे करता रहूँगा। जी जी हाँ हाँ भाई, क्या है कि ये लखनऊ वाले ही हैं, है ना, हम भी लखनऊ वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक शहर का भी रिश्ता है और फिर हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात भी हैं इनके साथ में, तो ये बात तो सही है कि जब एक आदमी अपना पैसा लगाता है तो उसको कहीं ना कहीं ये डर रहता है बॉलीवुड में ख़ास करके, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको पता है किस तरीके से लोग यहाँ पर वो करते हैं, तो इनको भी ये उम्मीद है और पूरा यकीन है कि जो भी मैं कर रहा हूँ और एक अच्छी फिल्म से एसोसिएट हो रहा हूँ तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, तो उनका एकदम पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू बोलूँगा इकबाल भाई को बहुत बहुत, और इस मूवी के लिए बहुत तैयारी करनी है, इकराम भाई जैसे हमारे डायरेक्टर हैं बहुत बहुत तैयारी करानी है, बस देखना है इंशाल्लाह।
इकराम भाई के लिए एक खास बात मैं बताना चाहूँगा, ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं और ये तीन पीढ़ियों से वहाँ पे जमे हुए और तीन पीढ़ियों से इनकी फैन फॉलोइंग है। ये हमारे बड़े पापा के दोस्त हुआ करते थे, उसके बाद फिर हमारे पापा के हुए और अब हमारे हैं। थैंक यू। एज अ राइटर तो मैंने बहुत सारी फिल्में लिखी हैं, स्टारों के साथ भी लिखी हैं और न्यू कमर के साथ भी लिखी हैं। सबसे डिफिकल्ट काम है इस दुनिया में न्यू कमर लोगों के साथ में फिल्म बनाना, है ना। और सबसे आसान भी इसलिए है क्योंकि न्यू कमर जो हैं वो किसी मिट्टी की तरह होते हैं, उनको जिस तरीके से ढाला जाए वो ढक जाते हैं। इस फिल्म में भी सबने बहुत मेहनत की है, जितने भी न्यू कमर्स इसमें हैं। हमारे कुलदीप कत्याल जी अभी तक पहुँचे नहीं हैं, उन्होंने भी इस फिल्म में मेरा साथ दिया हमेशा। अभी ये फिल्म शुरू हो पाई, हमारे संजय भाई, लक्ष्मीचंद जी जो हैं इन्होंने मेरा साथ दिया, और यहाँ एक दो लोग अभी तक पहुँचे नहीं हैं, वो जब पहुँचेंगे मैं उनको बुलाऊँगा, जिन्होंने इस फिल्म को कम्प्लीट करने में हमारा साथ दिया है। और ये फिल्म का आज हमने ट्रेलर लॉन्च किया है, विद इन 2 मंथ्स हम लोग इस फिल्म को थिएटर में लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। And मैं किसी और से कुछ चलो पास संजय जी, आप प्लीज ये मोबाइल क्या बताऊँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा ये फिल्म करते हुए, इकराम सर ने मुझे पहला मौका दिया, मैं बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त में बहुत नाम करूँ इंशाल्लाह। Very happy today. This movie has been completed. I hope iska acha result aaye. That's what I can say. Hamare director sahab se bhi hum. We don't know. Secret. Okay, what is the definition of fun? That's let that remain a secret. And I would like to thank everybody for coming on the stage. Media, please, a photo op with the entire cast and the producers and the director of the film. So please, this is your perfect moment for a perfect picture with the star cast, the producers and the director. कहते हैं अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। प्यार दीजिए इनको लेकिन कम कम, तब घुटना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो सो ये तो था हमारा स्टार कास्ट ऑफ आई लव दुबई। अर्ज किया है एक किसी बेहतरीन शायर ने, शायद अर्ज किया है कि इश्क का संबंध है, क्योंकि अगली जो पिक्चर है वो इश्क के बारे में है, प्यार के बारे में है, लव के बारे में है, खूब सारे प्यार के बारे में, और एक लड़की के पीछे अनेक बीमार के बारे में। तो अर्ज किया है कि इश्क का समंदर भी क्या समंदर, इश्क का समंदर भी क्या समंदर, जो डूबा वो आशिक, जो डूबा वो आशिक, जो तैर गया, जो निकल गया वो दीवाना, और जो तैरता ही रह गया वो पति। इट्स अ फैक्ट एक्चुअली, जो तैरते रह जाते हैं जन्म भर के लिए वो पति ही होते हैं। तो इस मूवी में क्या होने वाला है वो तो आपको धीरे धीरे थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा, बट this such an exciting movie that is coming up. इससे पहले कि I go any further and talk about this movie, इस movie के बारे में मैं बात करूं, उससे पहले मैं चाहूंगी कि लड़कियों का opinion लूं यहाँ पे। बहुत pretty girl। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो आने वाले थे, अभी तक आए नहीं, वो शर्ट वाला लेट आएंगे, पर जो आ चुके हैं इकबाल अली साहब, हाँ स्टेज पे तो हमारे इकबाल अली साहब हैं जो हमारे साथ नई मौसम कर रहे हैं, और हमारे मंत्री जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं शिवराज जी, हेलो दुबई,
नॉमिनेशन के लिए भाई हमारे संजय भाई और मेरे मित्र जिसे आए हुए अली साहब जो सब लोग इधर आए हुए एक्टर्स एंड यंग लोगों को भाई पहले आपको शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने सब यंग लोगों को सब लोग सब नया नया लोगों को आपने उनको एक अपनश्री दिया इसलिए आपको दया दिल से शुक्रिया करता हूँ। संजय भाई आप आ जाइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपने सपोर्ट किया बस इस मुंबई में डेली 20,000 यंग जनरेशन डेली आते हैं इस मुंबई में। तो संजय भाई और विक्रम भाई सर ने सबसे ज़्यादा यंग लोगों को जो संधि दिया है उमर भाई जैसा अहमदाबाद से अभी आए हैं मुंबई के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं था लेकिन संजय भाई और विक्रम भाई सर ने उनके गारंटी दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू संजय डॉक्टर मानसी एंड आलिना अलोना एंड ऑल एक्टर्स थैंक यू। मैं सबसे पहले विक्रम भाई का धन्यवाद दूंगा और मैं यहाँ पे नया हूँ तो अपने बारे में भी बताऊँगा। आई एम एक्स मिनिस्टर इन यूपी प्लानिंग कमीशन एंड माय फादर इज एजुकेशनिस्ट। ही रन्स इंस्टीट्यूट्स लाइक कैरियर मेडिकल कॉलेज कैरियर डेंटल कॉलेज। ये विक्रम भाई ने मुझे गलत बता दिया बताने के बाद डेली फोन करके अड़काते भी हैं कि ये भाई ये काम होना है कैसे होगा बता दो। इससे पहले कई लोगों से मेरी मुलाकात रही सेंटर सलमान खान जी से लेकिन कभी खुद नहीं सोचा था कि ऐसा होगा कि मैं खुद इन्वॉल्व हो जाऊंगा। उसके बाद उमर से मुलाकात हुई और कहते हैं ना सारी खुदाई एक तरफ जोरों का भाई एक तरफ। तो हमारे साले साहब हैं अफलाक वो डेली अक्सर मुझसे पूछा करते थे कि मैं बॉलीवुड में जाना चाहता हूँ। तो एक दिन इकराम साहब से मुलाकात हुई इकराम साहब की बल्कि एक दिन रात को मैं मूवी देख रहा था बाबर जो इन्होंने लखनऊ के लिए शूट लखनऊ में ही पूरी शूट की थी और जितने दुकानदार थे जितने वहाँ पर काम करने वाले थे सबसे एक्टिंग करा दी। तो इकराम साहब के ऊपर मुझे भरोसा था। वैसे मैं बॉलीवुड में तो मुझे लगता है कि किसी पर मुझे भरोसा नहीं होगा लेकिन इकराम साहब मेरे पड़ोसी थे तो मुझे भरोसा था इनके साथ। तो जब इकराम साहब से मेरी बात हुई तो इकराम साहब ने बोला कि ठीक है करते हैं। उसके बाद ये तुरंत ही नई पड़ोसन का प्रोजेक्ट लेके आ गए। उसके बाद भी इनसे मेरी काफ़ी बहस हुई ये न्यू कमर्स को लाना चाहते थे। मैंने कहा कुछ पुराने कास्ट करो तो ये राजी नहीं हुए। हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। चलो कोई बात यार मुझे अपने साले साहब को करना था तो वो हो गए और उम्र छोटे भाई की तरह है तो वो इन्वॉल्व हो गए। बाकी चरण जी का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। अक्सर हमारी आपकी फ़ोन पे बात होती रही है। सर मैंने सुना कि आप कांग्रेस से यूपी के कमेटी के हेड होके आ रहे। चलिए वहाँ तो हमारी आपकी मुलाकात होगी इलेक्शन कमेटी बट इतफाक रहेगा मैं आपका गेंद सुनूंगा। थैंक यू सर। तो अब एंट्री जब कर दी है तो ये पक्का है कि आगे तक के जाएंगे और विक्रम भाई के साथ रहेंगे। विक्रम भाई को तो हमेशा साथ लेके चलना है। इसके अलावा भी मेरी और लोगों से बात हुई और आज दिन भर मैंने सुनील शेट्टी जी संजय सबको परेशान किया कि मुझे कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट दो जो लखनऊ का और यूपी का नाम बहुत आगे तक ले जा सके। और लखनऊ और यूपी को पहली प्रेफरेंस मैं इसलिए दूंगा कि जो कुछ भी हूँ जहाँ से भी हूँ जिन लोगों की वजह से हूँ पहले उनके लिए करना चाहिए। अब ज्यादा बोलने करूंगा लेकिन लोग को माइक नहीं जाता तो फिर बोलते चले जाते हैं। चलो थैंक यू सो मच। मैं सबको थोड़ा माफी चाहता हूँ इकराम भाई की इधर भाभी आए और बच्चे दोनों भी स्टेज पे आना चाहिए पर्दे के पीछे जो सपोर्ट है हमारे भाभी जी और छोटी हमारे जो बच्चे हैं तो इस टाइम आई एम रिक्वेस्ट टू यू भाभी उमर भाई आज बात मानो। तो हम स्टार कास्ट को बुला रहे हैं अभी बुला रहे हैं पर बहुत अच्छा लग रहा है हमारे सारे लखनऊ के लोग यहाँ पे हैं माशाल्लाह खुश हो गया अब वो खुशी अब जी
मामू जान को बुलाइएगा, पे आइए प्लीज। तस्वीरें आपके बिना बिल्कुल अधूरी हैं, चिल्ला रही है मामू मामू मामू। जी अब स्टार कास्ट को बुला लेते हैं जी। मिस्टर उमर, इशिका जी आ गई, आ रही हैं। अच्छा इशिका जी अभी तक आई नहीं है। अच्छा जब तक इशिका जी नहीं आई हैं, मैं मेरे दोनों मंत्रियों जी से बोलूँगा और हमारे एक अपना यहाँ पर तो वैसे बहुत से लोग आए हुए हैं, मैं चाहूँगा इकबाल भाई ऊपर आ जाए जरा स्टेज पे मेरे पास। इकबाल भाई कि ये पूरी बॉलीवुड ही उठा कर दिया, ये बॉलीवुड में नहीं गए, बॉलीवुड ही इनके पास आ गया, इन्होंने पूरा बॉलीवुड ही ले लिया है। तो मैं भी ये चाहूँगा कि आप लोग भी दुआ करें कि जैसे लोग बॉलीवुड की तरफ दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो एक डायलॉग होता है कि बोल बच्चन अमिताभ बच्चन, ये लोग भी कुछ चीज़ें लेकर आए हुए हैं, कुछ ख्वाहिशें लेकर आए हुए हैं और एक सच्चाई से ईमानदारी से काम करने की जब कोशिश करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनका साथ हमें हमेशा देना चाहिए और ये इनको ये यहाँ से मायूसी नहीं मिलनी चाहिए। तो मीडिया से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलकर इनका साथ देना ज़रूरी है, बिकॉज ये भी बाहर से आए हुए, यूपी से आए हुए, तो अगले टाइम ये इनको शिकायत ना रहे कि बॉलीवुड में मैं किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला इकबाल भाई आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बिल्कुल अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं और मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत वेलकम करता हूं और बहुत क्या कहते हैं वो दिल से दुआ देता हूं कि आपकी ये पिक्चर जो है ये नई प्रोडक्शन ये बहुत बहुत तरक्की करे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मैं और इकराम भाई भी यहां पर नजर आएंगे एक नई फिल्म के साथ में। एक तो इशिका जी अभी तक आई नहीं है, 2 मिनट्स में आ रही है, हम उससे पहले चाहेंगे कि इकबाल भाई और हमारे भाई शिवानंद जी हीरोइन दिखा दें, इसको खोल के हीरोइन को दिखा दीजिए प्लीज, गुब्बारा उठा दीजिए। लेडीज जेंटलमैन द रिवीलिंग ऑफ नाइन प्रोड्यूसर टू साइन इशिका तनेजा, अ ब्यूटीफुल गॉर्जियस गर्ल फ्रॉम दिल्ली। ये ना सिर्फ एक एक्ट्रेस है, इनका फर्स्ट फिल्म है, इसके साथ बहुत बड़े बड़े सेंटर्स ब्यूटी मेकअप के रन करती है। बाय द मदर सिटिंग आउट देयर भारती तनेजा दी और उनके फादर वहां पे हैं। सो ब्यूटीफुल गर्ल, लवली एक्ट्रेस। और इकराम जी के लिए और हमारे सारे जो प्रोड्यूसर्स के लिए एक छोटा सा अर्ज हम शेयर करना चाहेंगे, जो आला जर्फ होते हैं वो जरा झुक के मिलते हैं, जो आला जर्फ होते हैं वो जरा झुक के मिलते हैं, सुराही भी सर नगू होती है पैमाना देखकर। ये इनके लिए अर्ज है जो न्यू कमर्स को चांस देते हैं, हमारे सारे प्रोड्यूसर्स इकराम सर जो न्यू कमर्स को चांस देते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। जी जी शबाब जी का मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, शबाब साबरी साहब यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पुराने दोस्त हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इनसे मुझे मिलवाया था और इनसे कई बार मेरी मुलाकात होती रही, तो इन्होंने मेरे लिए आजकल कॉम्प्लीमेंट्री का जमाना है, कहीं जाओ तो कॉम्प्लीमेंट्री एक के साथ एक चीज़ मिलती है, तो मैंने इनसे बोला कि मेरी पिक्चर आ रही है पहली है, तो इन्होंने कहा ठीक है 2 गाने मैं कॉम्प्लीमेंट्री गाऊंगा। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप ही आओ स्टेज पे। बहुत ही बढ़िया सिंगर हैं, इनके साथ मैंने शोज किए हैं, माशाल्लाह क्या परफॉर्मेंस है, मजा आ गया, स्पेशली हमारा वो वाला बैंगलोर वाला शो वो याद रहेगा। हाँ वो तो हमेशा याद रहेगा। चलिए कुछ लाइनें, चंद लाइनें और इनकी बहुत ही सुरीली आवाज में हम सुनना चाहेंगे, हाँ या नहीं सुनना चाहेंगे ना, तो चलिए। सभी लोगों को मेरा आदाब और प्रणाम, कैसे हैं आप लोग, फर्स्ट क्लास ना। देखिए मीडिया तो मुझे सब जानता है, आप लोग के रूबरू शायद फर्स्ट टाइम आया हूँ। ये जर्रे नवाजी अख्तर साहब और मेरे बड़े भाई इकबाल जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इन्होंने इतनी तारीफ कर दी कि मुझे स्टेज तक शिवानंद जी,
शबाब और संजय जी, सभी लोगों को मेरा खैर मकदम। और भाई ने हुक्म दिया कि मेरी फिल्म में आपको गाना है, तो मैंने तांबे साहब ताली बजाओ, क्या बात। तो मैंने कहा भाई जैसा आप बोलेंगे आपका हुक्म सराखों पर। और इसी के साथ साथ मैं अपने गाने की दो लाइनें, हाँ उधर से इशारा हो चुका, जो बहुत ही खूबसूरत गीत रहा है, आप लोगों ने सुना है, जो हिट है उस पर तो अपना प्रसन्न को। अरे नेताजी, कातिलाना अदाओं से एक दिन इस दिल को हंसाएंगे, रुलाएंगे, मार ही